Hello bachcho All right. Hello, my beautiful students. Welcome back to the platform of physics wala and this is your very own pace batch and I am Tina chokra your zoology mentor. So how are you guys? We are today going to complete this chapter of excretory system. This is lecture number four of excretory products and the elimination and as promised Ajam karenge rock and roll with NCRT. but before that, let's discuss this. Uh, last topic of this chapter, which is left, and this topic is this topic is disorders of excretory system. किसी भी चैप्टर में ये टॉपिक के बगैर वो चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता है राइट ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का फायदा ही तब है जब हमें पता लगे कि अगर वो फिजियोलॉजी काम नहीं कर रही है उस तरह से सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लीकेशन हो सकती है सो लेट्स गेट ऑन टू दैट और साथ ही साथ आई एम श्योर की आपकी एनसीआर रेडी होंगी जल्दी से एनसीआर उठा लेना क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनसीआर से पूरी रिविजन इस चैप्टर की इज अ क्लियर सो आई होप यू ऑल हैव हैवर एनसीआर विद यू और एक या दो शीट्स थिंग एल्स यू हैव ऑलरेडी मेड ऑल द नोट इन एनसीआरटी आज हम क्विकली उस एनसीआर की रीडिंग करेंगे सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैिंट इन द सेम गो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज डिसऑर्डर्स के साथ सो so, डिस में सबसे पहले सबसे पहले वी हैव यूरिमिया दीज आर द टर्म्स दैट यून सी एनसीआरटी क्लियर सो ये सारी एनसीआरटी के टर्म्स एंड गोइंग टू डिस्कस यूरिमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज कर जाना ब्लड यूरिया लेवल इंक्रीजेस ठीक है बियॉन्ड द नॉर्मल नॉर्मल यूरिया लेवल ब्लड के अंदर होता है नॉर्मल यूरिया लेवल इज 17 से 38 मिलीग्राम पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड ठीक है अगर इतना यूरिया है तो नॉर्मल है लेकिन अगर वो 38 से क्रॉस कर रहा है इसका मतलब ब्लड के अंदर यूरिया लेवल इकट्ठा हो रहा है दैट इज नोन एज यूरिमिया कब होगा जब किडनी फेलियर की तरफ जा रही है इफ किडनी इज नॉट फंक्शन फंक्शिंग फंक्शनिंग प्रॉपरली सो वॉट विल हैपन यूरीमिया मिलाकर ठीक है ब्लड में से यूरिया और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर नहीं हो रहे हैं इज दैट क्लियर सो एक्यूट रीनल फेलियर एक्यूट वर्ड कभी भी आ जाए यानी एकदम से किडनी ने अपना फेलियर शो किया है देखो दो टर्म्स होती है एक होती है क्रॉनिक एक होती है एक्यूट एक्यूट एक्यूटनीस जो एकदम से सामने आया ठीक है सो एक्यूट रीनल फेलियर रीनल फेलियर का मतलब किडनी फेलियर किडनी फेल्स टू फिल्टर द ब्लड इज क्लियर अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा किडनी फेल्स टू फिल्टर द ब्लड तो ब्लड के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है तो बिना किडनी के तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था एक चिप्स का पैकेट भी हमें मार सकता है राइट सो वी नीड टू ब्रिंग एन ऑल्टरनेटिव तो दो चीजें होंगी किडनी फेलियर के, के केस में या तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी बट वो मार्केट में तो बिकती नहीं है ठीक है सो जब तक वो सूटेबल डोनर नहीं मिलता तब तक वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी वॉट इट इज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट टूडे इट सेल्फ चले उसके बाद एनसीआर ने एक और डिसऑर्डर बताया इज़ रीनल रीनल वर्ड वर्ड ऑलवेज किडनी कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन्स ठीक है सो किडनी स्टोन्स को हम बोलते हैं रीनल कैलकुलाय गाइस ये स्टोन्स जो हैं ये होते हैं कैल्शियम के ऑक्सलेट्स के क्लियर सो so, इन चीजों की डिपोजिशन अगर ब्लड में हो रही है तो वो अल्टीमेटली किडनी में भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं क्लियर और ये स्टोन्स किडनी में ही रहेंगे ग्लोमैरल में रहेंगे तो वहां पे हेमरेज कॉज कर सकते हैं यानी कि वहां पे के पिलरीज को डैमेज कर सकते हैं हो सकता है कि वो छोटा सा है और फिल्ट्रेशन के साथ साथ वो डक्ट्स में होता हुआ यूरेटर में आ गया तो यूरेटर में भी वो वो ब्लॉकेज uh, कॉज कर सकता है राइट सो स्टोन्स कैन बी फाउंड एनी किडनी यूरेटर्स एनी वेर एवर दे आर दे नीड टू बी एलिमिनेटेड ठीक है पानी बहुत पीना चाहिए कहते हैं तो नॉट ओनली फॉर द ग्लोइंग स्किन एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मेटाबलिज्म अगर ज्यादा पानी पी रहे हैं तो येस किडनी स्टोन्स भी फ्लश आउट हो सकते हैं क्लियर लास्ट नॉट द लीस्ट ग्लोमेरुलर ग्लोमैरो नेफराइट देखो आइटिस वर्ड गैस कभी भी आए पूरी बायोलॉजी पढ़ते हुए याद रख लेना कि आइटस वर्ड कहीं पर भी आए ना इन्फ्लेमेशन हो रही है क्लियर? इन्फ्लेमेशन हो रही है इन्फ्लेम का मतलब वहां पे आग लग रही है आग कैसे लगती है वहां पे लोकल टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है इन्फ्लेमेशन में हमेशा चार सिम्टम्स जरूर होते हैं स्वेलिंग रेडनेस पेन एंड स्वेलिंग एंड दिस ठीक है सो so, चार सिम्टम्स देखो हीट इन उसके बाद स्वेलिंग देन हीट स्वेलिंग पेन इटस एंड रेडनेस तो ये चार सिम्टम्स कहीं पे भी आपको एक साथ नजर आए तो दैट इज इनफ्लेमेशन दैट इज इनफ्लेमेशन और आइटिस से पहले किस टिश्यू की इन्फ्लेमेशन हो रही है निफ्रॉन के ग्लोमैरुलर एरिया की निफ्रॉन के ग्लोमेरुलर एरिया की इज ए क्लियर इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमैरुलस इनफ्लेमेशन ऑफ ग्लोमैरुलस दैट इज ग्लोमैरुलर नेफ्राइटिस ब्लड प्रेशर हाई हो गया स्टोन्स आ गई इन्फेक्शन हो गई तो किसी भी रीजन से ग्लोम हो सकता है लेकिन ये term इस के साथ related जरूर है. आपको ये term दिखेगी चैप्टर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन में लेकिन मैं यहीं पे डिस्कस कर रही हूँ कल गाइज हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा था जिसमें कि हमने एडीएच का रोल देखा था जो वाटर की रीअब्सॉर्बन करवाता है राइट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एडीएच कम प्रोड्यूस होगा लेस एडीएच इज प्रोड्यूस्ड या इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट ऑल बाय हाइपोथैलेमस क्लियर तो उस सिचुएशन में क्या होना है एडीएच का रोल था ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है ना वाटर को रीएब्सॉर्ब करना फ्रॉम एंड डीसी क्लियर फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्बेशन तो अगर एडीएच नहीं होगा तो वो वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होने वाला तो सारा वाटर निकलेगा यूरिन में सो so, एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होगा एक्सेसिव यूरिनेशन होगा क्लियर एक्सेसिव यूरिनेशन नोन एज यानी एक्सेस वाटर वाटर इज इज लॉस्ट लॉस्ट एक्सेसिव तो बॉडी में से जब एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा है एक्सेस वाटर लॉस ठीक है एक्सेस वाटर लॉस इन यूरिन दिस इज नोन एज डाय तो अगर एक्सेस वाटर का लॉस होगा तो क्या होने वाला है डिहाइड्रेशन ठीक है बॉडी डिमांड करेगी कि पानी लाओ तो तुम्हें प्यास भी लगेगी यानी पॉलीडिप्सिया पॉलीडिप्सिया इज क्लियर पोलीडिप्सिया मीन एक्सेसिव थर्स्ट फील होती है क्लियर सो so, ये है डायबिटीज इन देखो एक जो हम जनरली डायबिटीज की बात करते हैं दैट इज डायबिटीज मिलाइटस ठीक है अच्छा वो उस डायबिटीज का भी बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट होने वाला है अगर किसी को डायबिटीज मिलाइटिस है तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा कीटोन बॉडीज आएंगी टू गोइंग टू रीड इट थ्रू रॉक एंड रोल इज क्लियर चलिए अब मेन बात है कि किडनी फेल हो गई है यूरिमिया हो रहा है तो इस सिचुएशन में क्या करें तो ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका नंबर वन वी नीड ऑर्गन ट्रांसप्लांट ठीक है किडनी ट्रांसप्लांट ही लिख लेते हैं सो वी नीड किडनी ट्रांसप्लांट अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमें चाहिए एक सूटेबल डोनर ठीक है सी तुम्हें इतना आइडिया है ऑलरेडी जैसे हमने ब्लड ग्रुप्स के केस में पढ़ा था कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन या उसका सेल अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट करती है क्यों क्योंकि हमने देखा था कि हमारे सेल के सरफेस के ऊपर कुछ खास प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिनका काम सिर्फ स्टैंप लगाना है कि ये मेरा है और ये तेरा है रिमेंबर जिनको हमने एंटीजेंस बोला था तो ऐसे ही अगर किसी की किडनी आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल में uh, ट्रांसप्लांट करोगे तो अगेन इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू रिजेक्ट इट नंबर वन ठीक है सो इन दैट केस वी नीड अ अबल डोनर देखो सुटेबल डोनर होने से क्या होने वाला है अगर वो इंडिविजुअल हमारे साथ जेनेटिकली रिलेटेड है और जितना क्लोजली जेनेटिकली रिलेटेड है तो हमारे जीन्स मैच करेंगे हमारे प्रोटीन्स मैच करेंगे राइट right? तो देर आर चांसेस कि जो हमारे वो सेल सरफेस मार्कर्स हैं वे भी कुछ कुछ मैच करें Clear? तो एंटीजेंस में कुछ सिमिलैरिटी होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हो सकता है उनको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जितना हम क्लोजली रिलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स ठीक है? Best, best है बेस्ट बेस्ट डोनर होता हमारा आइडेंटिकल ट्विन लेकिन अब क्या करें सबके आइडेंटिकल ट्विन तो होते ही नहीं है right? राइट तो देखते हैं ऑर्डर क्या है बेस्ट सुटेबल डोनर का किडनी ट्रांसप्लांट में वी नीड अबल डोनर ठीक है तो सूटेबल डोनर का ऑर्डर क्या रहता है देखो सूटेबल डोनर का सबसे बेस्ट जो है दैट इज आइडेंटिकल ट्वेल्व ठीक है इससे कम आपके नॉन आइडेंट आपके पेरेंट्स ठीक है पेरेंट्स से कम सिबलिंग्स भाई बहन ठीक है बट अगर सिबलिंग्स भी देने को तैयार नहीं होते या फिर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपके रिलेटिव्स ठीक है बट अगर रिलेटिव भी देने देने को नहीं मानते तो फिर आउटसाइडर्स ठीक है आउटसाइडर्स दो नॉट जेनेटिकली रिलेटेड दोस्त काम आते हैं जहां कोई और काम नहीं आता ठीक है ऑल दो दे आर नॉट जेनेटिकली रिलेटेड बट देन यस फ्रेंड्स अबाउट एवरीथिंग नाउ सी ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर का एक तरीका हो गया किडनी ट्रांसप्लांट ठीक है ओके अब किडनी ट्रांसप्लांट में भी ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं क्या लेने पड़ते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ठीक है ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इम्यून सिस्टम को पसंद नहीं आ रहा तो हमने इम्यून सिस्टम को वैसे ही सप्रेस कर देना है वैसे ही सप्रेस कर देना है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेके अब आप क्लास ट्वेल्व में इसका नाम पढ़ोगे बट मुझे लगता है मुझे तुम्हें यही बता देना चाहिए कि इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जो सबसे फेमस आपने याद करना है दैट इज साइक्लोस्पोरन ए अब हमने इम्यून सिस्टम को कर दिया सप्रेस जिसकी वजह से जो फॉरेन ऑर्गन है ठीक है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन अब चक्कर ये है कि आपको बाकी बीमारियां होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो एक तरफ प्रो है दूसरी तरफ कौन है फाइन बट जिंदा रहना जरूरी है सो वी डू नीड दिस आउटसाइड किडनी इज क्लियर बट केस में साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है डन ओके okay. अब दूसरा मेथड अब जब तक किडनी नहीं मिलती सो वी हैव द आर्टिफिशियल किडनी वी हैव द आर्टिफिशियल किडनी एंड दिस आर्टिफिशियल किडनी इज नथिंग बट अ मशीन इट इज अ डिवाइस which इज गोइंग टू प्ले द सेम रोल एज दैट ऑफ किडनी किडनी का रोल करेगी उसको हम कहते हैं हीमो डायलाइस डायलाइजर हीमोग का मतलब क्या होता है ब्लड डायलाइजर जो डायलिसिस करेगा ठीक है डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन हीमो डायलाइजर दैट इज द आर्टिफिशियल किडनी लेट्स सी सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ठीक है so, सो ऐसा नहीं है कि उसको बेहोश किया जाता है बस आप लेटे हो और आपका ब्लड निकाल निकाल के इस मशीन में भेजा जा रहा है एंड दिस मशीन इज एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल किडनी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बेसिकली होता क्या है सो दिस इज द आर्टिफिशियल किडनी बट ये आर्टिफिशियल किडनी कई लोगों की जान बचाती है ठीक है डिपेंड करता है कि कितना फेलियर चल रहा है किस लेवल का यूरिमिया हो रहा है तो डायलिसिस जो है हफ्ते में एक बार भी करवाना पड़ सकता है या फिर परमानेंटली इंडिविजुअल uh, को डायलिसिस पे रखा जाता है क्लियर ऑल राइट नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द डायलाइजर सो ये डायलाइजर अंदर से है कैसा तो so डायलाइजर में बेसिकली ऐसी सेलोफिन ट्यूब्स होती हैं So, ये सेलोफिन की बनी हुई है सेलोफिन जो है एक सेलेक्टिवली है। इज में क्लियर दीज आर सेलोफिन ट्यूब्स सेलोफिन ट्यूब्स आर दे आर इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेंबरेन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब इसमें से कुछ चीजें बाहर आ सकती है नॉट एवरीथिंग एक होता है फ्रीली परमिएबल कुछ भी आ जा सकता है कुछ होता है सेलेक्टिवली परमिएबल अगर वो वाटर के लिए हो सिलेक्टिव पर्मेबिलिटी तो उसको सेमी पर्मेबिलिटी बोल देते हैं और एक होता है इम कुछ नहीं अंदर आ सकता कुछ नहीं बाहर जा सकता सो दिस इज सेलेक्टिवली पर्मेबल क्लियर इसके बाहर इसके बाहर रहता है एक चेंबर इसके बाहर होता है एक चेंबर एंड वी कॉल डायलाइजिंग चेंबर इस डायलाइजिंग चेंबर के अंदर एक फ्लूड प्रेजेंट है स्पेशल फ्लूड प्रेजेंट है सो दिस इज दैट फ्लूड ठीक है चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे

डायलाइजिंग फ्लूड की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसी होती है प्लाज्मा जैसी नॉट ब्लड जैसी क्योंकि इसमें आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं होंगे इट इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा बट हमने अभी बात की कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रहता है 17 से 38 मिलीग्राम तक नॉर्मल है लेकिन ये जो हमने डायलाइजिंग फ्लूड बनाना है इसके अंदर हमने वो यूरिया यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं रखना ठीक है बस ये फर्क है इसकी कॉन्सेंट्रेशन एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा माइनस यूरिया माइनस यूरिया ठीक है बस ये चीज का डिफरेंस रहेगा माइनस यूरिया और यूरिक एसिड ये चीजें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे इस डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर सो स्टार मार्क कर लेते हैं नाउ सी ये हमें पता लग गया ओके okay, एक और चीज कि यहां से एक इनलेट होगा ओ oh -oh, ये तो हटी गया चलो दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं यहां से फ्लूड को डालने की अलग जगह होगी ठीक है और रिमूव करने की अलग क्लियर सो दिस इज इनलेट एंड दिस इज एन आउटलेट क्लियर क्योंकि लगातार ये जो फ्लूड है ये हमें चेंज करना होगा क्यों करना होगा दैट सो वील अंडरस्टैंड नाउ सी व्हाट है अब होना क्या है अब हमारा ब्लड जो है वो निकाला जाएगा जनरली फॉर्म वी यूज दिस आर्टरी ठीक है रेडियल आर्टरी जहां से पल्स भी चेक करते हो सो रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया गया ब्लड टेकन आउट थ्रू आर्टरी ये भी पता लगेगा तुम्हें कि आर्टरी से ही क्यों निकाल रहे हैं वेन से क्यों नहीं ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्लड टेकन आउट थ्रू रेडियल आर्टरी क्लियर है चलो आर्टरी से जैसे ही ब्लड निकालोगे तो आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा यू नो दैट है ना तो ब्लड क्लॉट ना हो जाए इसलिए हम एक्स्ट्रा बाहर से हेपरिन हेपरिन ऐड करेंगे एडेड टू तो प्रिवेंट क्लॉटिंग ठीक है और टेम्परेचर की वजह से आपके एंजाइम्स डी नेचर ना हो तो हम इस ब्लड को चिल करते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस तक इज इट क्लियर रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया हेपरिन ऐड किया ताकि क्लॉट ना कर जाए और जीरो डिग्री सेल्सियस पे उसको हम अब पास करवाएंगे थ्रू दीज नॉर्मल इंसान का ब्लड नहीं है ये ये ऐसे इंसान का है जिसकी किडनी फेल हो रखी है तो उसके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा यूरिया इकट्ठा हो रखा है हाई अमाउंट्स ऑफ यूरिया यूरिक एसिड राइट हिप्यूरिक एसिड सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसके ब्लड के अंदर नाउ जब हमने ये डायलाइजिंग फ्लूड बनाया था तो हमने इस चीज़ का खास ध्यान दिया कि फ्लूड के अंदर ये कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट ना हो तो व्हाट विल हैपन यहाँ पे यूरिया है नहीं और इस ब्लड में यूरिया बहुत है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यूरिया मूव करेगा सो सिंपल डिफ्यूजन इज गोइंग टू टेक प्लेस ठीक है यहाँ से यूरिया निकल निकल के फ्लूड में आता रहेगा यूरिक एसिड हिप्यूरिक एसिड सो इट इज ऑल कमिंग आउट through the selectively permeable cellophane membranes. Is that clear? So by the time blood reaches that other end, क्या होगा? जब तक blood यहाँ पे पहुँचता है, that blood is free of urea, uric acid, यानी जो भी nitrogenous waste blood के अंदर excess में present थे, वो सारे हमने निकाल दिए. तो अब हमने blood को वापस डालना है back into the body. तो वापस बॉडी में डालने से पहले हम उसको लेके आएंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस दूसरा अंदर जाके ब्लड जरूरत पड़ने पे क्लॉट भी कर सके तो हम एंटी हैपर भी डालेंगे क्लियर एंड नाउ दिस ब्लड विल बी सेंड इन द बॉडी थ्रू वेन इट इज मेड टू एंटर या पास इन टू द रेडियल वेन वाई वेन क्योंकि वेन जो है वेन ब्लड हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है राइट right? तो हम चाहते हैं कि जो क्लीन ब्लड है दिस इज गोइंग द हार्ट एंड हार्ट विल पंप टू द होल बॉडी ठीक है तो जो भी चीज हमने पूरी बॉडी में पास करनी होती है वो हम हमेशा वेन में ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं इंजेक्ट करते हैं इज इट क्लियर तो यहां से एक एक चैनल से ब्लड बाहर आ रहा है और एक चैनल से फिल्टर किया हुआ ब्लड वापस डाला जा रहा है

सो हाई कॉन्सेंट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये यूरिया मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होगा एंड बाय द टाइम इट रीचेज द अदर एंड योर ब्लड इज क्लीन तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लेके आओ एंटीहेपरेन एड करो ठीक है एंड पुट इट बैक इन अर बॉडी थ्रू रेडियल वेन क्लियर बिकॉज वेन इज गोइंग टू टेक इट टू दार्ट एंड हार्ट विल पम्प दट क्लीन ब्लड टू द होल बॉडी ठीक है नॉर्मल काम तो करेगा हार्ट लंग्स में भेजेगा ऑक्सीजनेट करेगा लेकिन वो जो ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर इट इज फ्री ऑफ नाइट्रोजनस अस व्हेन आर ओन किडनी फेल्स इतना क्लियर हो गया डन चलो अब क्योंकि आपके डायलाइजिंग फ्लूड के अंदर धीरे धीरे करके यूरिया काफी बढ़ता जाएगा राइट right? तो वो बैक फ्लो भी कर सकता है इसीलिए हमें लगातार

रॉक एंड रोल विद एनसीआर ऑल राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जल्दी से मैं मार्क करवाऊंगी तुम्हें इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स सो देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि इस चैप्टर का इस अप, सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटीरियल्सिमुलेट होते हैं यूरिया यूरिक एसिड वॉटर आय ठीक है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से या फिर एक्सेस इंजेक्शन से ज्यादा खा लेने से ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती है ठीक है सो दे नीड टू बी रिमूव टोटली और पार्शली एंड वी हैव मकैनिज्म फॉर द एलिमिनेशन स्पेशली कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल कौन से होते हैं कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड दीज आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट एन एनिमल्स रिटर्न माफ कर रहे हो साथ साथ देन

प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्मीक है कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था बोनी फिशेज इक्वेटिकवेटिक इंसेक्ट्स दैट इज एवरी एग्जाम्पल ऑफ एनसीआर टी इज सुपर इंपॉर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट ठीक है अमोनोटेलिक होते हैं सारे इट इज अमोनिया इज रेडिली सॉलेबल इन वॉटर ठीक है एंड जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन टोल्ड यू कि इसके केस में अमोनिया रिलीज करने में किडनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती कैसे होगा जनरली बाय गिल सरफेस डिफ्यूजन हो जाएगा बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से ठीक है एज अमोनियम आइन्स किडनीज डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल राइट अब जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे आ गए उनको जरूरत थी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने जो कि कम वाटर का यूज कर रहा है

मेरीन फिशेज ठीक है अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता था यूरिया साइकिल हमने पढ़ा था यूरिया साइकिल अंडर इज गोइंग ऑन इन द लिवर प्रोड्यूस्ड बाई मेटाबोलिज्म कन्वर्टेड इन टू यूरिया बायर लिवर इज दौन सा साइकिल था हमने पढ़ा था यूरिया साइकिल क्रेब्स हैंस्लेट साइकिल या फिर ऑरमिथेन साइकिल राइट right? ब्लड और फिर ब्लड को फिल्टर किया जाएगा एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट बाई किडनी प्रोड्यूस करता है लिवर और उसको बाहर रिमूव करेगा आपका किडनी सम अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी रिटेन इन द किडनी मेट्रिक फॉर सम ऑफ द एनिमल्स टू में डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी सी काउंटर करंट में हमने पढ़ा था वो ट्वेल्व हंड्रेड की जो ऑस्मोलैरिटी थी उसको मेंटेन करने में नॉट ओनली एन ए सी एल इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल बट ऑल्सो यूरिया ठीक है रिटेन टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी देन एनादर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स बर्ड्स ठीक है एंड लैंड स्नेल्स तो आप दो कलर के हाईलाइटर्स यूज कर सकते हैं एंड इंसेक्ट्स दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट कॉल्ड Uric acid, और वो हमेशा सॉलिड पैलेट्सोरिकोटे गाइज ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद तुम जब इस चैप्टर को पढ़ो तो तुम्हें सिर्फ यही टर्म्स दिखाई देनी चाहिए जैसे तुम्हारा नज, तुम्हारी नजर पड़ती है इन टर्म्स के ऊपर क्विकली रिविजन होनी चाहिए ठीक है ये टर्म देखी समझ आया आगे चलो टर्म देखी हाँ ये सब पड़ा हुआ है ये दिमाग में बैठेगी चीजें चलो आगे चलते हैं सो सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ठीक है हमने बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की टाइप्स भी की थी फॉर एग्जाम्पल सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स इन के अंदर सो दिस इज सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर

सेफ्लोकोडेट्स में इनके अंदर भी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूड बैलेंस ये नाइट्रोजनस वेस्ट को खास मेंटेन रिमूव uh, नहीं करते इनका मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना वाटर और सॉल्ट के कंटेंट को रेगुलेट करना ठीक है माफ हो रही है चीजें चलो सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रीडिया ये नेफ्रीडिया जो है इट इज फाउंड इन द अर्थ वर्म्स ठीक है एंड अदर एनल इट हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट अब अर्थ के केस में हमने पढ़ा था कि अगर पानी ज्यादा है तो यह अमोनिया रिलीज करेगा अगर वॉटर ज्यादा है अगर वॉटर कम है तो यह अपना मोड चेंज कर लेता है दैट इज इट रिलीज़ यूरिया ठीक है एंड आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है इसका नेफरी ये तीन चीजें आपको अंडरलाइन करनी है देन नेक्स्ट वी है माल्फीजेंटब्यूल्स मालफीजेंटिब्यूल्स ठीक है और ये यूज होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर इंक्लूडिंग कॉकरोच किसी को कॉकरोच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है मेरा दिल तोड़ दिया था कल तुमने ये बोल के मैम फिजियोलॉजी कंटिन्यू करेंगे हम बिल्कुल करेंगे ठीक है बट बटनेमा माई चलिए आगे आते हैं इट हेल्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन और कॉकरोच के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड जो लैंड इंसेक्ट्स हैं दे रिलीज यूरिक एसिड जो वाटर इंसेक्ट्स हैं दे रिलीज अमोनिया हमने कर लिया है ये तो कुछ एडिशन मैंने करवाई थी क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स में दे रखी है क्लियर तो हमने उस चैप्टर से उठा के अपने चैप्टर में एड कर लेनी है ऑल राइट नेक्स्ट इज एंटरल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स और मैंने तुम्हें इसके अलावा भी बताए थे कॉग्जल ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो इन सी कॉग्जल ग्लैंड्स ये होते हैं स्पाइडर्स में ठीक है ये भी आर्थ्रोपोडा में ही है स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस इनके अंदर ये होंगे नेक्स्ट अब आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फाइन इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या-क्या प्रेजेंट है देखो अ पेयर ऑफ किडनीज वन पेयर ऑफ यूरेटर वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा किडनीज रेडिश ब्राउन है ठीक है बीन शेप्ड है ये तो पता ही हमें एंड वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये मैंने पूछा था तुम्हें T12 so, याद रखेंगे थोरासिक का 12 क्योंकि बारह होते हैं ठीक है तो लास्ट थोरासिक मीन्स T12 ट्वेल्व थोरेसिक वटिब्रा एंड थर्ड लंबर विटिब्रा। क्लियर क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एबिनल कैविटी डॉसल एबडोमल कैविटी इज अ क्लियर ईच किडनी ऑफ एडल्टज ये वैल्यूज नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा ठीक है नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए अब देखो नॉट टू वर्ड्स द सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन द सेंटर ऑफ इनर कनकेव ऑलरेडी टोल्ड यू किडनी के सेंटर इनर साइड के सेंटर में ये इनर कंकेव सरफेस पे सेंटर में प्रेजेंट होती है नॉच नोन एज हाइलम थ्रू विच यूरेटा ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर टोल्ड यू ठीक है

कैप्सूल को अंडरलाइन करके लिख लेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग नोट साथ साथ बनाओगे इज दैट क्लियर नाउ देर आर टू जो किडनी के अंदर दो जो है पढ़ी थी टू टू एरियाज ठीक है वन इज कॉटेक्स आउटर रीजन को हमेशा कॉटेक्स बोलते हैं इनर को हमेशा मेडुला बोलते हैं मेडुला के अंदर मेडुला के अंदर हमने पढ़े थे कॉनिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज पिरामिड्स कॉनिकल या पिरामिडल स्ट्रक्चर्स ट्राइंगुलर राइट right? और ये प्रोजेक्ट होते हैं इन टू द केलसेस और केलसेस ओपन हो जाती हैं पेल्विस में सो so, हमारा ऑर्डर क्या था यूरिन का पाथवे क्या है सबसे पहले पिरामिड्स देन 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 पेपिले पेल्विस देन यूरेटर एंड देन यूरेटर से ब्लैडर एंड यूरे टू आउटसाइड क्लियर नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जहां पे हमारे पिरामिड्स थे बीच बीच में हमने देखा था कि कॉन्टेक्स भी उनके अंदर एंटर कर रहा है डू रिमेंबर

ग्लोमैरुलस हमेशा हमें पता है कि ग्रुप ऑफ के पिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस ये देखिए किपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल ठीक है एंड एफरेंट आर्टेरियोल क्या होती है इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल गाइस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ब्लड सप्लाई अराउंड द किडनी दरी यूनिक ठीक है तो हमने पढ़ा था कि हार्ट से आया एटा एटा से बनी रीनल आर्ट्री रीनल आर्ट्री किडनी के अंदर एंटर करते ही

अब रीनल टिब्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर वन बोमैंस कैप्स्यूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर ठीक है और हमने इसकी दो वॉल्स में सेल्स भी पड़े थे आउटर में स्क्वामस इनर में पोडोसाइड्स ठीक है और इसी बोमैंस कैप्सूल के अंदर एनक्लोज होता है आपका क्लियर सो ग्लोमेरुलस प्लस बोमैंस कैप्सूल क्या बोलेंगे इसे मैलफीजियन बॉडी ऑलरेडी आज दिस क्वेश्चन एंड बहुत स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया था इन द कॉमेंट सेक्शन डू लेट मी नो कि स्पीड से तुम्हारी एनसीआरटी कितनी अच्छी तरह से रिवाइज हो रही है राइट चलिए सो टूब्यूल कॉन्टिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉल्ड नेटवर्क तो फर्स्ट पार्ट इज बोमैंस कैप्स्यूल सेकेंड इज पी सी टी थर्ड इज हेयर पेन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड लूप ऑफ हेल्ले एंड लास्ट पार्ट इज डी सी टी लूप ऑफ हेल्ले के गायस दो पार्ट होते हैं डिसेंडिंग लिम एंड इट हैज असेंडिंग लिम ठीक है देन असेंडिंग लिम कॉन्टिन्यू हो जाएगा इन टू द फोर्थ पार्ट एंड दी सी टी ठीक है और बहुत सारे डी सी टी जो है वो ओपन होते हैं कलेक्टिंग डॉक्ट में दीज विल देन ओपन इन द कलेक्टिंग डक मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एन ओपन इन टू द रीनल पेल्विस और कलेक्टिंग डक से यूरिन कहा जाएगा पेल्विस रीजन में थ्रू मेडुलरी पिरामिड एंड कैलिस तो पहले जा रहा है डी सिटी में

क्स्ट जो मालफीजन कॉर्पोसल है या बोमैंस कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेस पीसीटी एंडी देर ऑल प्रेजेंट इन दॉर्टिकल रीजन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेफरिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ नेफर टोल्ड यू ये तीन चीजें जो है कॉर्टिकल रीजन ठीक है और लूप ऑफ हिले जो होता है दिस लाइज इन द मेडुला डिप्स इंटू द मेडुला दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं गाइज नंबर वन वी हैव कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 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 कॉर्टिकल कॉर्टिकल में देखो लूप ऑफ हिले जो है सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हिले इज टू शॉर्ट ठीक है एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटल इंटू द मेडुला क्लियर और दूसरा टाइप होता है हमारे पास दिस इज वन एंड सेकेंड टाइप इज जक्सटा मेडुलरी टू जक्सटा मेडुलरी वो होंगे जिसके अंदर लूपले इज वेरी लॉन्ग एंड रॉन्स डीप इन टू द मेडुलट क्लियर जल्दी से मार्क कर लीजिए तो इस तरह से आप बुक के अंदर आप एनसीआर टी पढ़ रहे हो यूर रीडिंग एवरी लाइन एंड आई एम श्योर की अब इसके बाद तो कोई डाउट नहीं रहेगा राइट सो आई एम श्योर दैट आपको कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है कि आपने पिछली जो चीजें पढ़ी हैं दैट इज ऑल देर इन एनसीआरटी वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीआरटी एनसीआर इज द बाइबल गर्स ये लाइन जितनी बार मर्जी बोल लो कितनी भी घिसी पिटी क्यों ना हो जाए लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती है ठीक है चलो इफरेंट आर्टीरियल जो है वो बाहर निकलेगी ग्लोमेरसल से और इफरेंट आर्टीरियल से क्या बनता है कैपिलरी नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज सो ब्लड सप्लाई देखो कैसे एक्सप्लेन की हुई है एफरेंट आर्टीरियल एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस से बने से बने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कई बार ये हेनलेस लूप अगर लंबा हो बड़ा हो तो उसके साथ साथ ये वासा रेक्टा भी बन जाएगा ठीक है सो so, वासा रेक्टा इज एबसेंट और हाईली रिड्यूज इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इज दैट क्लियर और ये वासा रेक्टा किसके पैरेलल रन करता है रन पैरेलल टू द हेनलेस लूप यहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी चलेगा क्लियर चलो अब हम आ जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन पे क्विकली देखो यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़ा था तीन स्टेप्स में होती है तीन स्टेप्स थ्री मेन प्रोसेस वन इज फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन री एब्जॉर्ब एंड देन थर्ड इज सिक्रीशन क्लियर विच टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फर्स्ट स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है कैरिड आउट बाय द ग्लुमेरस तो फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है ग्लूमैरुलस एंड बोमैंस कैप्स्यूल सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लुमेरुलर फिल्टरेशन इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन तो कितना ब्लड किडनी फिल्टर करती है पर मिनट टोटल ब्लड इज फाइव टू सिक्स लीटर आई टोल्ड यू ट्वेंटी परसेंट ब्लड इज डायरेक्टेड टुवर्ड योर किडनीजन फिफ्थ ठीक है सो अराउंड इलेवन हंड्रेड से ट्वेल्व हंड्रेड क्लियर विच कॉन्स्टिट्यूट वन फिफ्थ ऑफ द टोटल ब्लड पंपड आउट बाई वेंट्रिकल इन अ मिनट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दी जा अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म किडनीज़ पर मिनट हर एक मिनट में जो ग्लुमेर फिल्ट्रेट बनता है हर एक मिनट में दैट इज द्लूमेर फिल्टरेशन रेट जी एफ आर ठीक है और कितना होता है ये वन ट्वेंटी फाइव मिली पर मिनट और एक दिन का कितना बनता है वन एट्टी ठीक है तो इसका मतलब एक दिन के अंदर फिल्ट्रेट 180 एटी बन रहा है लेकिन यूरिन कितना बनता है सिर्फ 1.5 से 2 लीटर सो आउट ऑफ 150 फिफ्टी सॉरी वन एटी नाइन एट से नाइन्टी नाइन परसेंट इज मेड वी नीड टू रिटर्न इट बैक टू द ब्लड तो इसलिए हमारे पास दूसरी प्रोसेस आ जाती है दैट विल बी योर री एब्जॉर्ब बट फिल्ट्रेशन के लिए ये ब्लड प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन कॉज करेगा और फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है फिल्ट्रेशन थ्रू थ्री लेयर्स कौन कौन सी लेयर है एंडोथिलियम ऑफ कैपिलरीज देन टू एपीथिलियम ऑफ बोमैन कैप्सूल और इन सेल्स का नाम हमने क्या पढ़ा था पोडोसाइट्स वट वॉज द नेम पोडोसाइट्स ये देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है पोडोसाइट्स ठीक है एंड थर्ड ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है और गाइस बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए आईव टोल्ड यू यस्टरडे इट इज अ नेगेटिव मेम्ब्रेन Negatively charged membrane, ठीक है देन सो the आर layers which collectively कलेक्टिवली फॉर्म योर फिल्ट्रेशन ये तीन layers मिलकर क्या बना रही है योर साथ, साथ words लिखते जाओगे फिल्टरेशन में इस तरह से नोट्स बनते हैं NCERT में चले इंट्रिकेट है और पोडोसाइट्स के बीच में हमने खाली स्पेसेस भी पढ़ी थी रिमेम्बर तो वो जो खाली स्पेसेस है ट लीव सम माइन्यूट स्पेसेस ठीक है सो स्पेस आर नोन एज फिल्टरेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स याद आ रहा है याद आ रहा है तो देखो हमने पढ़ा था ये हमारा ये हमारे पोडोसाइट्स हैं तो पोडोसाइट्स के बीच में ये जो स्पेसेज है दीज आर नोन एज फिल्ट्रेशन पोर्स इज ए क्लियर चलो ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दीज मेम्रेन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेट देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा एक्सेप्ट द सो दिस इज द कॉम्पोजिशन दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्लियर दैट फॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्योंकि ये हो रही है अंडर वेरी हाई प्रेशर इज दैट क्लियर गाइज चलिए स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी अब किडनीज दे हैव इन बिल्ट मैकेज फॉर द रेगुलेशन कल हमने पढ़ा था रेगुलेशन में जे जी ए जक्सटाग्लुमर ऑपरेटर्स राइट रेगुलेशन ऑफ ग्लुमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि कितनी फिल्ट्रेशन कर रहा है वो अगर कम हो रही है तो उस हिसाब से उसको एनहांस किया जाएगा ठीक है वन सच एफिशियंट मैकेनिज्म इज जक्स्टा जक्सट्राग्लूमेरुलर एपरेटस और कल हमने पढ़ा था कि ये जक्स्टा जक्सट्राग्लोमुलर एपरेटस जो है ये तीन स्पेशल सेल से बनेगा देखो स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्मड सेलर मॉडिफिकेशंस ऑफ नंबर वन डीसीटी राइट एंड एफरेंट आर्टीरियल डीसीटी के अंदर एपिथिलियम मैकुला डेंसा और एफरेंट आर्टीरियल की वॉल में स्मूद मसल सेल्स जो कि जक्सा ग्लोमेर सेल्स कहलाए थे राइट अ फॉल इन द एफ जी एफ आर जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगा क्यों घट रहा है फिल्ट्रेशन रेट क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है राइट इट डाउन ठीक है लो फॉल इन दी एफ आर कैन एक्टिवेट कैन एक्टिवेट द जक्सट्राग्लुमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनेक्सट्राग्लुमेरुलर सेल्स और ये जक्सट्राग्लुमेरुलर सेल्स का प्रेजेंट थे जक्सट्राग्लुमेरुलर सेल्स प्रेजेंट थे इन द एफरेंट आर्टीरियोल राइट तो ब्लड प्रेशर लो हुआ बीपी लो होगा तो किडनी कितना फिल्टर कर रही है वो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी फाइन तो आपका जीएफआर जैसे ही फॉल करता है तुम्हें पता है इट इज सेंस्ड बाय मैकुला डेंसा सेल्स सो ये डीसीटी के सेल्स का नाम क्या था मैकुला डेंसा ियल सेल्स सेल्स ऑफ डीसीटी वैसे डीसीटी के अंदर क्या होता है क्यूबॉइडल लेकिन जो पार्ट ग्लोमेरुलस के पास लाया करता है इट इज लाइंड बाय कोलर एपीथीलियम नोन एज डेंसा इसने डिटेक्ट किया जी एफ आर कम हो रहा है राइट right? सोडियम कम है उसने एक्टिवेट किसको कर दिया जक्सट्रा ग्लुमेर सेल्स को और जक्सट्रा ग्लुमेर सेल्स क्या बना देंगे रेनिन इज दैट क्लियर सो एक बार से फिर बता रही हूं देयर आर टू रेन दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट

वही लिखना प्लीज इसके मार्क्स बहुत अच्छी तरह से काटेगी टीचर ठीक है Now see. Which can stimulate? अब का काम क्या है? नॉर्मल so, आपका जी एफ आर कितना होता है वन एटी लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज अब यूरिन कितना रिलीज हो रहा है दिस इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट दिस इज द फिल्ट्रेट राइट एंड यूरेन कितना बनता है आपका सिर्फ उसमें से वन पॉइंट फाइव लीटर इसका मतलब नाइंटी नाइन परसेंट क्या होना है इसकी री एब्सॉर्प्शन दिस इज नोन एज री एब्सॉर्प्शन ठीक है अब जो ट्यूबुलर एपिथिलियन सेल्स हैं इन द डिफरेंट सेगमेंट्स दे आर गोइंग टू परफॉर्म एक्टिव या पैसिव मैकेजम से होगी आपकी री एब्सॉर्प्शन इज क्लियर देखो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम एनसीआर पढ़ोगे तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ इन वर्ड्स पे जाएगा एंड सिर्फ इन वर्ड्स की से द होल स्टोरी विल बी रिवाइज ठीक है री में यही तो दिखाते हैं ना पूरा धारावाहिक तो दिखाया नहीं जाता तो नेक्स्ट टाइम जब भी रिकप करोगे तो यू विल सी द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओनली एंड एवरीथिंग विल बी क्विकली रिवाइज तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी बुक मत अंडरलाइन करो I have seen, कुछ बच्चे ना हाईलाइटर पकड़ के बैठते हैं तो पूरी बुक हाईलाइटेड होती है तो इज द कि कहां से कौन सी चीजें रीअबॉर्ब हो रही हैं ग्लूकोज माइनो एसिड सोडियम इसका हमेशा रीअबॉर्ब्शन कैसे होगा एक्टिव ठीक है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनका कैसे होगा पैसिव इजर क्लियर एंड वॉटर का रेब्स हमेशा कैसे होता है अगेन पैसिव ठीक है का भी कैसे होगा passive होगा पैसिव दैट इज बाय ऑस्मोसिस नाउ यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सेल्स जो है वो सिक्रीट भी करते हैं हमने देखा था कि रेब्स में तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर बीइंग रिटर्न फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड लेकिन ब्लड में अभी भी कुछ वेस्ट रह गया है तो उसको खींच खींच के निकाला जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर ट्यूबुलर सिक्रीशन Is that clear? What you have studied here is tubular reabsorption. Second step. This is filtration. This is reabsorption. Now we are talking about the third step tubular secretion. So consequences are re secrete H positive, potassium, and ammonium ions in the filtrate. Now, there is that one figure given in your NCRT that we have discussed. जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ समराइज कर दिया है कि कहां से किस रीजन से क्या चीजें सिक्रीट होनी है और क्या चीजें रि होनी है ठीक है दैट वन डायग्राम इज सुपर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस एंड याद रखना ये हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है टोल्ड यू इट इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोसेस डन चलो फंक्शंस ऑफ फंक्शन देख लेते हैं तो हमने जब पीसीटी पढ़ा था तो देखो मैंने आपको सेल्स करवाए थे ठीक है तो पीसीटी में देखो सेल्स कौन से सिंपल ब्रश बॉर्डर ब्रश बॉर्डर क्या के लिए होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर री नियरली ऑल एसेंशियल ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिय जैसे कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड सेवेंटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वॉटर इन सबका का एब्जॉर्प्शन होना है पीसीटी से दे आर री एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सेगमेंट ठीक है ये तो हो रही है री एब्जॉर्प्शन उसके बाद यहां से सिक्रीशन भी होगी ठीक है सो सिलेक्टेड सिक्रीशन देखो किस चीज की हो रही है यहां से हाइड्रोजन आयन्स अमोनिया एंड पोटेशियम आयन्स इज ए क्लियर इंटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय कार्बोनेट आय तो बाय कार्बोनेट आय की भी यहां से एब्जॉर्प्शन होगी इलेक्ट्रोलाइट एक सोडियम ठीक है बाय कार्बोनेट आय इनकी हो रही है री एब्सॉर्प्शन इज ना क्लियर चलिए आगे देखते हैं हेल्लेज लूप देखो इतना बड़ा पैराग्राफ ये आज पढ़ रहे हो तुम इसके बाद तुम जब भी रिवाइज करोगे चैप्टर खोलोगे तो यू विल ओनली रीड दीज इंपॉर्टेंट लाइन दैट यूर मार्किंग टूडे क्लियर चलिए आगे देखते हैं लूप ऑफ हेल्ले सो रीब्स मिनिमम होती है यहां पे मिनिमम क्लियर इन द असेंडिंग लिम असेंडिंग लिम में रिब्स मिनिमम होनी है

ठीक है एल एंड सेकेंड इज यूरिया जो है इट परमेबल टू नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट लाइन जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सो डिसमीएबल टू वॉटर एंड ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, so है और ये जैसे ही फिल्टरेट uh, नीचे जा रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि पानी निकलता जाएगा सो वॉट विल हैपन दिस कॉन्सेंट्रेट फिल्टरेट एज इट मूवस डाउन इसलिए डिसेंडिंग को हमने क्या बोला था कॉन्सेंट्रेटिंग लिम रिमेंबर वी ऑलरेडी कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटिंग लिम जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ रहे थे देन वी हैव असेंडिंग लिम्ब चलो असेंडिंग लिम्ब की भी बात कर लेते हैं तो जो असेंडिंग लिम्ब है दिस इज इम्पोमिबल टू वॉटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली भी और पैसिवली भी ठीक है तो ये जब सोडियम उसमें से निकलता जाएगा नमक निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा डायल्यूट हो जाएगा सो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट इट गेट्स डायल्यूटेड ठीक है सो इट गेट्स डायल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूड मेड्युलटरस्टिशियल फ्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूड जो वर्ड्स मतलब समझ ना आए उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्लीज कीप राइटिंग दीज थिंग्स अलोंग विद ठीक है सो असेंडिंग लिम्प को हमने क्या बोला है इट इज द डायल्यूटिंग लिम्प

यानी जरूरत के हिसाब से ठीक है अंडर द इफेक्ट ऑफ एडीएच रास हमने पढ़े थे सोडियम और वाटर की इट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ री एब्सॉर्पन ऑफ बायकार्बोनेट आय और साथ ही साथ इसमें से सिक्रीशन भी होगी सिक्रीशन होगी एच पॉजिटिव आयन्स एंड पोटेशियम आयन्स की एंड अमोनियम आयन्स टू मेंटेन द बैलेंस क्लियर सो ये सारे जो चीजें अंडरलाइन कर रहे हैं गायस ये सारी चीजें एक उस पिक्चर में ठीक है जो आपके लास्ट में दी हुई है डन कलेक्टिंग डग सो आई वो ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन नॉट अ पार्ट ऑफ वन और सिंगल नेफ्रॉन तो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं सो सी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ये बाहर से स्टार्ट होगा फ्रॉम कॉटेक्स टू इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला तक जाता है लार्ज पार्ट्स ऑफ वॉटर कैन बी रीप्स फ्रॉम दिस रीजन ऑल्सो टू मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड

क्लियर दैट इज वाई वी कॉल काउंटर करंट मैकेनिज्म को काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑल्सो है ना उसमें दो चीजें होनी है एक एक्सचेंज भी होना है और एक मल्टीप्लीकेशन भी होनी है सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पी एच एंड इंग बैलेंस बाय सिक्रीशन इसमें सिक्रीशन किस किस चीज की हो रही है एच पॉजिटिव एंड पोटेशियम तो काफी सिमिलर है यहां पे भी एच पॉजिटिव एंड पोटेशियम की हो रही है और यहां पे भी क्लियर देन मकैनिज्म सो वी हैव दिस काउंटर करंट हियर उंटर करंट मकैनिज्मी मैमल्स के अंदर यही होगा सिर्फ हैबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरन और कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट आर लूप ऑफ हिले एंड वासरेक्टा दीज आर दार्टैटंग टू पार्टिसिपेट सो अब देखो हमने कहा था जो आपका काउंटर करंट

Is that clear? Which will help in maintaining and increasing the osmolarity, increasing osmolarity towards the inner medulla थ्री कहाँ से start से होती है Is that clear to all? सब याद आ रहा है पुरानी चीजें ठीक है जिसने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया प्लीज वो जरूर करना बहुत तसली से हमने काउंटर current mechanism पढ़ा था ट्रिकी है मुश्किल बिल्कुल नहीं है एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन टूडे की तुम्हें ये चीज कितनी हेल्पफुल लग रही है ओके okay? चलो नाउ दिस ग्रेडियंट इज मेनलीज बाय अब ये ऑस्मोलॉरिटी को कौन मेंटेन करता है सी हेव बिन यू अगेन एंड अगेन ग्रेडियंट ऑस्मोलारिटी कौन मेंटेन कर रहा है एनएसीएल एंड यूरिया एनएसएल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एन एसीएल को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा असेंडिंग लिम ठीक है असेंडिंग लिम्ब इज बर्मेबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसेंडिंग वन इज And it is exchanged with the descending limb of Vasa recta. Upper filtrates are sodium or sodium kucon descending limb of Vasa Recta. We have done that already. And I have already used animation to explain it to you. NACL is returned to the interstitium thicke, by ascending portion of Vasa recta. Now, similarly, small amounts of urea. Small amount of urea ye pura paragraph is important. This whole paragraph is super important. ठीक है तो ये तो पूरा ही साइड पे ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि हमारे एक चीज को अंडरलाइन ना करें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम ऑफ असेंडिंग में ही एंटर करता है यूरिया विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टेशम बाय कलेक्टिंग टिब्यूल रिमेंबर कलेक्टिंग टिब्यूल ने उसको किसमें डाल दिया था बैक टू द इंटरस्टेशम बाय द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल नाउ अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट and this is known as counter current mechanism. Very, very important. So see, special arrangement of Henle's loop and Vasa recta is known as counter current mechanism to maintain a concentrated concentration of gradient. Is that clear? The presence of such interstitial gradient helps in the easy passage of water from collecting tubules, thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce urine nearly four times. Very important line. This line ko underline Karlo. और देखो अब इसका मतलब क्या है कैसे है ये फोर टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देखो हमारा जब फिल्ट्रेट बनता है आई टोल्ड यू कि हमारा जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा यहां पे ऑस्मोलैरिटी होती है 1200, हंड्रेड right? राइट और जो हमारा यूरिन बन रहा है पीसीटी लूप ऑफ हेन यहां लूप ऑफ हेन फिर डीसीटी तो डीसीटी के एंड में फिल्ट्रेट की टी कितनी हो जाती है 300 सो ट्वेल्व हंड्रेड से कितना कॉन्सेंट्रेट होके पहुंच गया है वो 300 तक तो कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हुआ है वो फोर टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म दिस इज द इनिशियल फिल्ट्रेट ग्लोमैट्रा फिल्टरेट इज द इनिशियल फिल्ट्रेट और लास्ट जो फिल्ट्रेट होता है वो होता है डीसीटी या सिटी में और तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है दैट इज थ्री फाइनल फिल्ट्रेट लेकिन इस एक किताब को छोड़ के ना मोटी मोटी किताबों के पीछे भाग रहे होते हैं समझ में ये भी नहीं आती तो बेटर है उन किताबों को करो साइड पे और इस पे फोकस करोगे ताकि एक एक वर्ड समझ में आए क्लियर चलो ना रेगुलेशन देखो रेगुलेशन हम कल ही पढ़ के हटे रेगुलेशन होती है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म और कौन कौन इन्वॉल्व होगा इसमें हाइपोथल जो एडीएच बनाएगा ग्लोमेरुलर जो रास मैकेनिज्म चलाएगा और हार्ट जो आपका ए एन एफ बनाता है ठीक है मैकेनिज्म शुरू करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी एक्टिवेट होंगे इन द चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस टोल्ड यू ठीक है जैसे ही एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड होता है वॉटर लेवल जाता है बॉडी से कम हो तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे सो लॉस ऑफ फ्लूड एक्सेसिव फर्स्ट स्टेप ठीक है रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड एंड ये एक्टिवेट द रिसेप्टर्स एक सेकेंड थोड़ा सा हम अपना देखो फर्स्ट स्टेप यहीं पे आप फ्लोचार्ट भी बना सकते हो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड हो गया फ्रॉम द बॉडी कैसे हो सकता है स्वेटिंग से हो गया डायरिया से हो गया तो वॉट विल है इट विल एक्टिवेट दीज ऑस्मो रिसेप्ट ऑस्मो रिसेप्ट क्या करेंगे मैसेज भेजेंगे आपके हाइपोथल को हाइपोथाल्मस क्या करेगी रिलीज ए डी एच ठीक है इट इज नॉट डायरेक्टली रिलीज बाय हाइपोथल इट इज रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस ठीक है बनाता है आपका हाइपोथाल्मस बस उसको रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूट्री और न्यूरो न्यूरोहाइपोफाइसिस कल कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था मैम आप आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल रहे हो, रहे हो हो लेकिन पोस्ट क्यों लिख दैट वाज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पिट्यू पोस्टीरियर ठीक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सो एडीएच को हम वैसोप्रेसन भी बोलते हैं इज दैट क्लियर चलो क्या करेगा एडीएच अब इफेक्ट्स देखो इसके यहां पर लिख लो इफेक्ट्स ऑफ एडीएच नंबर वन एंटी डायरेटिक है तो वॉटर रीअब्सॉर्स करवाएगा फ्रॉम लेटर पार्ट्स लेटर पार्ट कौन से होते हैं डीसी टी एंड सी टी मेक इट सिंपल एंड राइट डाउन हि और प्रिवेंट करेगा डायरेसिस वॉट इज डायरेस एक्सेसिव यूरिनेशन डायरेसिज मीन एक्सेसिव यूरिनेशन को प्रिवेंट करने वाला है क्लियर तो इसका मतलब अगर एडीएच नहीं बना तो एक्सेसिव यूरिनेशन होगी क्या पढ़ा है हमने उस डिजीज का नाम लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर एडीएच कम हो जाता है तो हमने डिजीज का नाम क्या पढ़ाया इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लेक्चर वीव डन दैट

वेजो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिकशन दैट इज वाई वी कॉल इट वेस ऑफ वेसल्स को प्रेस करने वाला कंस्ट्रिक्ट करने वाला एंड देर फो अगर प्रेस हो जाएंगी यानी एरिया कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ठीक है सो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लुमेर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जी एफ आर अब दूसरी केस आ गई है कि अगर अब उल्टा होता है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है ठीक है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा जो किडनी में है ग्लोबार फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा अब देखो तो जक्सा ग्लोम प्लेज इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल अगर ये जीएफ आर फॉल करता है फॉल इन अंदर जीएफआर फॉल इन अंदर जीएफआर होगा तो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो फॉलिंग बीपी लो ठीक है या जीएफ आर लो सोडियम लो ऐसी सिचुएशंस में चलेगा आपका रास मकैनिज्म विच वी हैव अबाउट इन द प्रीवियस क्लास तो आपके जो जक्स्टा गुमेर सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है देखो स्टेप वन यहां पर नंबर स्टेप्स लिख लेते हैं सो so, नंबर वन ये सब कुछ हुआ ठीक है जिसकी वजह से आपके जक्स्टा गुमेर सेल्स एक्टिवेट हो गए उन्होंने रेनिन रिलीज कर दिया ठीक है रेनन ने एनजियोनो जेन को कन्वर्ट कर दिया 1, जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है, अब आत आती है इनके इफेक्ट्स की अब एंजियोटेंसिन जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स शो करने वाला है एंजियोटेंसिन जो है नंबर वन इट इज अ पावरफुल वेज ऑफ ठीक है और जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इट विल इंक्रीज द ग्लुमरलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द जी एफ इफेक्ट इट विल ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनवाएगा एल्डोस्टिरोन और ये जो एल्डोस्टिरोन है ये करवाता है रीअब्सॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स यानी डीसी टी एंड सी टी ठीक है अब सोडियम जितना रिअब्जॉर्ब होगा उतना पानी रिअब्सॉर्ब हो रहा है ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है सो so, क्या होना है इससे

and it causes release of ANF and this will cause vasodilation dilation say decrease your blood pressure and it will check it will check a line it checks on the RAS mechanism Iska it is antagonistic to antagonistic means opposite to RAS mechanism is that clear? so these are important lines micturition we have read yesterday only देखो यूरिनरी ब्लैडर में जब सफिशियंट यूरिन स्टोर हो जाएगा तो वॉलंट्री सिग्नल इज गिवन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है कैसे इनिशिएट होता है नंबर वन स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर होती है ब्लैडर की वॉल में हमने देखा था स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ठीक है ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर ये सिग्नल्स भेजते हैं टू द सी एन एस ठीक है फिर सी एन एस मैसेज भेजेगा टू द मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स वट वॉज द नेम ऑफ दी स्मूथ मसल्स लेट मी नो हमने कल के लेक्चर में किया था लेट मी नो द नेम ऑफ स्मूथ मसल्स फाउंड इन द ब्लैडर ठीक है और साथ ही साथ होती है रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल फिटर एंड दिस विल कॉज यूरिनेशन और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरल मैकेनिज्म सॉरी दिस इज नोन एज दिस न्यूरल मैकेनिज्म इज नोन एज लाइट येलो कलर का होता है लाइट कलर ड्यू टू यूरोक्रोम प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ओडर होगा इसका पी एच देखो सिक्स सिक्स पॉइंट एट तक रहेगा और उसके अंदर ट्वेंटी फाइव से थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे क्लियर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये नॉर्मल की बात हो रही है uh, कुछ कंडीशंस के अंदर ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन है ये चेंज हो सकते हैं एंड इट विल हेल्प इन द एनालिसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस देखो एनालिसिस ऑफ यूरिन से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगेगा माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का पता लगेगा वेरी इंपॉर्टेंट अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है या कीटोन बॉडीज हैं तो दिस इज अ साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस नाउ दिस कंडीशन इन विच यूरिन कंटेन्स ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया या और कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस को कहते हैं कीटोन यूरिया ग्लाइकोस यूरिया या ग्लूकोस यूरिया कुछ भी लिखा जा सकता है ठीक है सो दैट वॉज इट देन कुछ इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में दैट इज लंग्स लिवर एंड स्किन तो देखो लंग्स क्या रिलीज कर रहे हैं लंग्स रिलीज कर रहे हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 200 हंड्रेड एम एल पर मिनट ठीक है एज वेल एज सम समाटर ठीक है देन सेकेंड इज लिवर ट अबाउट लिवर लार्जेस्ट ग्लांट आपकी बॉडी की और ये सिक्रीट करती है बाइल कंटेनिंग सबस्टांसिस बिली रूबिन बिली वर्डेन कोलेस्ट्रोल डिग्रेडेड स्टीरोइड हॉर्मोन्स विटामिन ड्रग्स इज दलियर देन वी हैव स्किन के अंदर स्किन के अंदर प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड एंड सीबेश्लाड्स ठीक है और ये इलिमिनेट देखो क्या क्या करेंगे स्वेट के थ्रू स्वेट ग्लैंड जो है ये रिलीज करते हैं सोडियम क्लोराइड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया या स्लैक्टिक एसिड तो आपके पसीने में आपके स्वेट के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है क्लियर अफकोर्स इससे कूलिंग इफेक्ट तो आता ही है लेकिन साथ साथ काफी वेस्ट और काफी वाटर भी रिमूव हो रहा है देन ऑयल ग्लैंड जो है ये रिमूव करती हैं स्टीरोल्स एंड वैक्सीज एंड हाइड्रोकार्बन थ्रू सीबम सीबम का मतलब होता है ऑयल क्लियर सो दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग

कि जो मसल्स हैं आपके ब्लैडर में स्मूथ मसल्स उनको क्या कहते हैं वी हैव रेडेड इन द प्रीवियस लेक्चर लेट मी नो दैट एंड आई विल कम बैक टुमारो विद अनदर चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड यस रॉक एंड रोल ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज एनसीईआरटी इज द बाइबल सो कीप रीडिंग एनसीईआरटी पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट